केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान की कड़ी निंदा की और कांग्रेस से पूछा कि क्या वो चुनाव जीतने के लिए सैनिकों का अपमान करेगी। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को पुंछ आतंकवादी हमले को बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया था। इस हमले में भारतीय वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया था और 4 जवान घायल हो गए थे। चन्नी के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से है, क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध और 1971 का युद्ध क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? ऐसे घटिया बयान के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए चन्नी ने कहा था, ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से, क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए? इससे घटिया बयान जिस पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। अरे जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब राहुल गांधी जी कहाँ थे? चीन के डिप्लोमेट्स के साथ थे, बंद कमरे में न जाने क्या क्या तैयारी कर रहे थे, देश को बताएं क्या कर रहे थे। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की, तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि फर्जी एयर स्ट्राइक है, हुआ ही नहीं। ये हमारी सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। प्रियंका गांधी बांड्रा सोमवार से रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के